हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिंह फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी हमारे एग्ज़ाम पे कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि जो भी हम पल पल के अपडेट होते हैं हम आपका अवश्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूपी टेट 2019 अक्टूबर में कराने पर पीएनपी सचिव का विचार, इसके बाद बेसिक में फिर खुलेंगे भर्ती का पिटारा, केवीआई डीएसपी रीट में भी सभी को मिलेगा मौका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल यूपी टेट 18 हुआ था, नवंबर में यूपी टेट 18 हुआ था, और अब दिसंबर जो यूपी टेट 19 का है उसका भी तारीख संभवतः मतलब विचार विमर्श किया जा रहा है। और मोस्टली कुछ एक न्यूज़ हमें वायरल न्यूज़ मिली थी कि जो यूपी टेट संबंधित डेट वाइज दी गई, हम वो आपको सभी के सामने हम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, आप जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो भी पल पल अपडेट होते हैं हम आपको वैसे ही आपके सामने लेकर आते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि यूपी टेट 2019 की तैयारी अभी से शुरू हो गई हैं, और उसको अक्टूबर नवंबर में कराने की संभावना है। दिसंबर तक उसका रिजल्ट देने पर भी सरकार विचार कर रही है। दोस्तों, चलते हैं आगे कि आप देख रहे हैं यूपी टेट की अक्टूबर में उम्मीद, प्रयागराज। यूपी टेट 2019 के अक्टूबर में होने की संभावना है। इसके लिए शासन स्तर पर वार्ता चल रही है, और वही दूसरी ओर जिले में परीक्षा केंद्र सहित अन्य के लिए भी विवरण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय मंगाए जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि साफ सुथरे और अच्छे विद्यालय को ही टीटी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिससे कि परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी न हो पाए। टीईटी की परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन वाली वेबसाइट को पिछली बार से अधिक बेहतर बनाया जाएगा, जिससे कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान वेबसाइट पर स्लो न हो पाए, सर्वर स्लो न हो पाए। सचिव परीक्षा नियम प्राधिकारी कार्यालय ने भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि डीएलआर 2019 की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं, और उसके पश्चात यूपी टीईटी 2018 का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी यूपी टीईटी संबंधित सूचनाएं। और दोस्तों, एक हमें न्यूज़ मिली, देखो मैं आप सब में शेयर करना चाहता हूँ, इस पर कोई नेगेटिव कमेंट्स ना करें। जैसा कि हमें मिला था, हम आपके सामने लेकर आए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यूपी टेट 2019 परीक्षा दिनांक, परीक्षा की वास्तविक तिथियां जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी कर दी जाएंगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए तालिका घटनाओं के लिए अपेक्षित तिथियों की जांच कर सकते हैं। देखिए, यूपी टेट 2019 विज्ञापन 18 अक्टूबर से, यूपी टेट ऑनलाइन पंजीकरण 18 अक्टूबर 2019 से, यूपी टेट की आखिरी दिनांक 3 अक्टूबर 2019 शाम 6 बजे तक, यूपी टेट 2019 के एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर 2019 से, यूपी टेट 2019 की परीक्षा 18 नवंबर 2019 दो शिफ्ट में, और यूपी टेट 2019 की उत्तर कुंजी 5 दिसंबर 2019 को, यूपी टेट 2019 का परिणाम मतलब 20 दिसंबर तक। दोस्तों, ये हमें कहीं से न्यूज़ मिली थी जो हम आपके सामने लेकर आए, और आपके साथ भी हमने शेयर किया है। दोस्तों, इस पर कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, जो भी हमें न्यूज़ मिलते हैं हम आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, जो भी कमेंट्स क्या करें, पॉजिटिव कमेंट्स क्या, और कम से कम दोस्तों एक लाइक तो आपका बनता है कि जब वीडियो हम आपके सामने लेकर आए, तो आप कम से कम उसको लाइक तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो भी पल पल के अपडेट होते हैं हम आपके सामने अवश्य ही लेकर आते हैं, चाहे वो आपके सपोर्ट की हों, या चाहे वो 60-65 के वाले की हों, या 40-45 वाले की हों, हम आपके सामने जरूरी हम लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चैनल बने रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका अपना भूपेंद्र सिंह।